तो गाइस हर एक दिन की तरफ आज का भी टॉपिक है कि आज मैं आप लोगों को डायनोवर्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, बताऊंगा। तो चलिए गाइस डायनोवर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो डायनोबॉट्स एक तरफ के डायनो रोबोट्स है। तो आज हम इस वीडियो के बारे में उनके बारे में तो गाइस असल में है कौन बोलो, ठीक है, ये डायनोबॉट्स जो है ट्रांसफॉर्मर्स है। ट्रांसफॉर्मर्स क्यों ले रहा हूँ, तो डायनोसोर रिलेटेड एनिमल्स, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। तो गाइस ये असल में अच्छे ट्रांसफॉर्मर है, उनका लीडर है ग्रीन लॉक। तो टीरेक्स में ट्रांसफॉर्म होने वाला एक डायनोबॉट है। दोस्तों उन सब की जो लीडर है उनके नाम ग्रिमलॉक है, उसके नाम तो आपको पता ही होगा अब शायद कि कौन ग्रिमलॉक है। तो वो एक टीरेक्स ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्मर्स के दिखाया गया है, और वो दूसरे डायनोबॉट्स की लीडर है। ग्रिमलॉक की साइज़ है 70 फीट करीब उतना ही। ग्रिमलॉक के पास एक ताकतवर बोन क्रश बाइट है। ग्रिमलॉक 30 फीट दूरी से फायर ब्रीथ करता है, जो कि इतना हॉट है कि 30 फीट दूरी से ही आते हुए सब कुछ चीज़ जला सकता है। तो उम्मीद का तो आपको पता है ग्रिमलॉक कौन है, और मैं वीडियो के इनपुट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप दूसरे यूट्यूबर से अच्छे से जान पाओ कि ग्रिमलॉक कौन है। तो ग्रिमलॉक को हमें जो अपीयरेंस दिखाया गया है ट्रांसफॉर्मर्स में, वहाँ पर हमें दिखाया गया है कि वो एक स्टील का एक रोबोट है, टीरेक्स जैसा दिखने वाला। तो टीरेक्स जैसा बड़ा बड़ा जो दांत है उसका, सबको पता ही है वो क्या चीज़ है। दोस्तों आज इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।